नकोदर दे विच व्यापारी कतल मामले दे नाल जुड़ी एक होर खबर आ रही है तुहाडे तक पहुंचा दिए। भुपिंदर सिंह उर्फ टीमी चावला दे गनमैन दी भी मौत हो चुकी है। जलंधर दे निजी हस्पताल विच अज उसने अपना दम तोड़ लिता है। मनदीप सिंह ने दी मौत हो चुकी है। चार गोलियां वजन दे नाल जख्मी सी, निजी हस्पताल दे विच इलाज लई भेजा भी गया सी, उजेरे इलाज सी, पर उसकी इलाज दौरान ही मौत हो गई है। मापिया नूं हालांकि मनदीप सिंह दी मृतक दे फिलहाल सौंप दी गई है। सब विचकार डीजीपी गौरव यादव के वालों भी श्रद्धांजलि भेंट की गई है। गनमैन नूं शहीद का दर्जा दिता गया ते आख्या गया है कि शहीद के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। नकोदर दे विच व्यापारी कतल मामले दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। दिन दिहाड़े फायरिंग दौरान इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिता गया। भुपिंदर सिंह उर्फ टीमी चावला के गनमैन की मौत हुई है। जलंधर के निजी हस्पताल के मनदीप सिंह ने अपना दम तोड़िया है। चार गोलियां वजन के नाल गंभीर जख्मी होया सी। मेन मार्केट के विच फायरिंग हुई सी तो उस तो बाद फौरन ही हस्पताल ले जाया गया। हादसे के विच इस गोलीबारी के विच इलाज दौरान इसकी मौत हो गई है। मापियों नूं हालांकि मनदीप सिंह की मृतक दी सौंप दी गई है। तो इस सब विचकार पुलिस मुलाजमान के वालों इतों तक कि डीजीपी के वालों भी परिवार के नाल दुख साझा किया जा रहा है, श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। डीजीपी गौरव यादव के वालों भी शहीद गनमैन को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस सब विचकार शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिता गया। तस्वीर भी तुहाडे नाल साझा कर रही हूं। हालांकि इस सब विचकार भी गल आखी है कि इस मामले के तफ्तीश होगी, जांच होगी, पर उस तो पहला यह घटना वाकई बेहद ज़्यादा मंदभागी रही। नकोदर के व्यापारी कतल मामले के जुड़ी एक खबर है। भुपिंदर सिंह उर्फ टिमी चावला के गनमैन की भी मौत हुई है। जलंधर के निजी हस्पताल के मनदीप सिंह ने अपना दम तोड़िया है। चार गोलियां इस तों लगियां तो फौरन उस तों निजी हस्पताल ले जाया गया। मापियां का रो रो के बुरा हाल है। चार गोलियां वजन के नाल पूरी तरह जख्मी होया सी। सो तीन वक् वक् तस्वीर तुहाडे तक पहुँचा रही हूँ। व्यापारी का दिन दिहाड़े कतल कर दिया जाता है गोलियां मार के। इस दौरान इसके प्रोटेक्टिंग इसके गनमैन सुरक्षा दस्ते दे विच उसनों भी पहला बहुत ज़्यादा गोलियां लगियां, चार गोलियां लगियां तो बेहद ज़्यादा जख्मी होया। फिलहाल उस जदों ही हस्पताल ले जाया गया, निजी हस्पताल ले जाया गया तो उसकी इलाज दौरान मौत हो गई। तो परिवार दे विच खासा गुस्सा भी है, खासा रोस के नाल नाल दुख भी जाहिर किया जा रहा है। पत्रस बने हुए हैं साढ़े नाल इस खबर से, उन्होंने रुख कर लें। पत्रस, वाकई घटना बेहद ज़्यादा मंदभागी रही है। अजिहां घटनावां जो लगातार सूबे दे विच वापरियां ने, हालांकि हुण तां हत्थों जिहड़ी इस चीज़ निकली है, वड्डा एक दुख जरूर लगा है, वड्डा नुकसान होया परिवार नूं भी। दिन दिहाड़े गोलियां चलाईयां गईयां, जिहड़ा कि एक कपड़ा व्यापारी है उसका कतल किया गया, और नाल दी नाल जिहड़ा एक पुलिस का मुलाजम उसकी सुरक्षा दे विच तैनात सीगा उसके उत्ते भी हमला किया गया और उसकी भी अज सवेरे मौत हो गई है। कारोबारी दे नाल नाल जिहड़ा पुलिस फोर्स दा जवान है वह भी इस गोली कांड दे विच मर चुका है। उसकी जिहड़ी है पुलिस दे मुताबिक उसकी शहादत हो चुकी है, और दो परिवार जिहड़े है उन्हां दे नौजवान पुत्र जिहड़े आ इस दुनिया तो चले गए ने इस पूरे गोली कांड दे विच। दोवें नौजवान ने, दोवां दे छोटे छोटे बच्चे ने, खास तौर पर मनदीप सिंह का जे मैं जिक्र करा जिहड़ा कि पुलिस का जवान हैगा, 27-28 साल उसकी उम्र दसी जा रही है। तकरीबन 3 साल पहला उसका विआह होया सी, छोटा जिहा उसका एक बच्चा साल का जो दसिया जा रहा है जिसकी उम्र, और दूसरे पास जिहड़ा व्यापारी है जिसका कि कपड़े का कारोबार सीगा टिमी चावला, उस दियां दो बच्चियां ने, एक 10 साल दी और एक 5 साल दी। तां इह दो परिवार जिहड़े है इस गोली कांड का शिकार होए ने, और खास तौर पर जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं सारे परिवारों के वालों और आम लोगों के वालों सूबे की अमन कानून की स्थिति के उत्ते कि जेकर सूबे दे विच आम लोग सुरक्षित नहीं है, जेकर सिक्योरिटी मिलने के बावजूद लोग सुरक्षित नहीं है, जिहड़े सुरक्षा फोर्स तैनात नौजवान है, जेकर उस सुरक्षित नहीं है तो फिर सूबे दे विच सुरक्षित कौन है। बेशक सरकार दे वालों लख दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लैके, ज अमन कानून की स्थिति को लैके, हुण डीजीपी साहब दे वालों जी अनाउंसमेंट भी की गई है कि उसके परिवार को जिहड़े वित्तीय सहायता जी की जाऊगी, माली इमदाद दी जाऊगी। पर सवाल यह है कि सूबे की अमन कानून स्थिति कित्थे है, कित्थे खड़ा पंजाब इस वक्त अमन कानून की स्थिति दे विच। तां मृतक जे जिहड़ी मनदीप सिंह होरां दी है वह जिहड़ा जलंधर का निजी हॉस्पिटल है जिथे वह जेरे इलाज सीगा उत्थों मृतक दे उसके वारसां दे हवाले कर दी गई है। नकोदर के सिविल हॉस्पिटल दे विच मनदीप सिंह का पोस्टमार्टम होना है। जो इनिशियली जानकारी जो सानू डाक्टरां ने दी है कि चार गोलियां मनदीप सिंह दे लगियां सन,
जिन्हां दे विच एक गोली छाती दे नेड़े कोलों होकर आर पार हुई है, एक जिहड़ी अंदर अंतड़ियां हुंदियां ने पेट दियां उन्हां नूं जिहड़ा प्रभावित कीता गोलियां ने, रीढ़ की हड्डी के कोल एक गोली लगी और एक गोली खब्बे पट के कोल लगी है। और दूसरे पासे जिहड़ा सीगा टिमी चावला जिहड़ा कि कपड़ा कारोबारी सीगा उसके सत्त गोलियां लगियां ने, क्योंकि मौके तो 12 खोल जिहड़े आ दस्से जा रहे कि बरामद होए ने। एक गोली जिहड़ी आ गनमैन दे वल्लों चलाई गई सी बचाव दे विच, वो दस्सिया जा रहा कि जिहड़े हमलावर आए ने उन्हां दे वी एक गोली लगी सी, हालांकि वह भज्जण दे विच सफल हो गए ने। पुलिस दे वल्लों हुण उन्हां दी भाल जरूर की जा रही है, पर इस सब दे दरमियान जो सवाल यही वार वार उठ रहे हैं कि पुलिस और जिहड़े आम लोग है वह सुरक्षित कित्थे है, और पुलिस की कार्यशैली उत्ते एक सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि 1 नवंबर तो लगातार फरौती दीआं कॉलां आ रही सीगियां, वो लोग क्यों नहीं ट्रेस किए गए, क्यों नहीं उन्होंने फड़िया गया, जेकर वो फड़े जाते जेकर उन्होंने समय रहिंदिआं ट्रेस कर लिया जाता तो अज यह दिन ना दिखना पैंदा है। जी कवि पत्रस, वाकई इस घटना ने एक बार फिर तो दहला दिता है, पर जो असी लगातार क्रमवार सूबे दे विच देख रहे हैं तो हुण तां हौसले इन्ने पस्त इन्ने ज़्यादा बढ़ चुके ने इन्हां गैंगस्टरां दे इन्हां कातलां दे कि आखिर पुलिस मुलाजमत फायर करन दे उपर भी एक बार भी सोचते नहीं ने। जानना चाहवांगे इस मामले दे विच किस ढंग दे नाल कार्रवाई करन दा भरोसा दिता गया। देखो पुलिस हाले फिलहाल तो पुलिस खुद इस घटना तो बाद शौक दे विच असीं कह सकते हैं कि पुलिस नूं भी डाढा एक झटका लग्या, क्योंकि एक जवान पुलिस दे क्योंकि अनेक जवान जिहड़े आ वख-वख तरह दीआं जिहड़ियां सिक्योरिटी दे विच तैनात कीते गए ने पिछले समें दे विच सरकार दे वल्लों पंजाब पुलिस दे वल्लों, उन्हां नूं एक वार वड्डी चिंता आण खड़ी हुई है कि जेकर एक सुरक्षा दा साथी उन्हां दा जिहड़ा एक जवान जिहड़ा एक सुरक्षा दे विच तैनात सीगा जेकर उस दे नाल इस तरीके नाल हो सकदा है तां फिर उन्हां दी सिक्योरिटी कित्थे हैगी है। पुलिस दा मनोबल बढ़ाउणा इस वेले पुलिस दे वास्ते वड्डी चुनौती हैगी है, पर पुलिस दे वल्लों हुण इही आख्या जा रहा है कि जिहड़े उह हमलावर हैगे आ भरोसा जरूर दिता गया है, पर तस्वीर भी साझा कर दें कि जो कतल किया जाता है गोलियां मारिया जाती है तो मनसूबे इस हद तक हावी हो चुके ने वध चुके ने इन्होंने कातलों की कि बकायदा पुलिस मुलाजमान से फायर कर दिए जाते हैं। टिमी चावला से गोलियां मारी जा ने करीब 7 तो इस दौरान पुलिस मुलाजम से 4 गोलियां मारिया जाने प्रतिक्रम आए ने भी तो सुना देने एक बार गनमैन सीगा उन्हें उन्होंने पूरा मुकाबला किया और जो वर्डिंग सी भी उन्होंने एक जो शूटर उन्होंने भी गोली लगी है वो तो सारे एंगलों पर वर्क चल रहा जो एज पॉसीबल साडा जवान कर सकता सी उन्हें वह बड़ी बहादुरी नाल जख्मी होंदे हुए भी उन्हों का मुकाबला किया। 4 गोलियां लगे ऑपरेट हो गया सी राती पर सिचुएशन रात तो ही क्रिटिकल सी, मॉर्निंग हुण डॉक्टर ने डैथ डिकलेयर करता पर वख-वख AGTF एंड सारिया ही टीम साड़िया वर्क पर लगिया हुई और दोनों ही जड़िया फैमिलीज लिए बहुत बड़ा लॉस है और इनू जल्दी तो जल्दी असं इंसाफ दवांगे। तो हमने पहले देखा कि लेफ्ट साइड जो चेस्ट में था जो जाके पूरे फेफड़े को उसने फाड़ दिया था और पूरी हवा बन गई थी, इसलिए सांस को बहुत तकलीफ थी और ऑक्सीजन था ही नहीं। एक जो लेफ्ट साइड के लत में जो एक बुलेट लगी थी उसको जो मेन नस है पैर की उसको भी फाड़ दिया था, इंजरी करके वहाँ का फट चुकी थी, नस फट गई थी, वहाँ काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। सारी एफर्ट्स करने के बावजूद ऑपरेशन भी किया, पेशेंट उसी बचा लिया है। नकोदर दे विच तुहानू दस दईए कि जिहड़ियां गोलियां चलियां ने एक व्यापारी उत्ते जिस दे विच एक व्यापारी टिमी चावला जिसकी कि मौके पर मौत हो गई उसने 7 गोलियां मारियां ने, प्रदीप सिंह जिहड़ा कि तैनात सीगा जिसकी मृतक दे उसके वारसां दे हवाले कीती गई आ उसने 4 गोलियां वज्जियां सन जिहड़ा कि जख्मां दी ताप दा सहारा होया। अज सवेरे इस हॉस्पिटल दे विच दम तोड़ गया, परिवारक मैंबरां दे वल्लों आम लोगों के वल्लों जरूर सवाल चुके जा रहे हैं सरकार के प्रबंधों के उत्ते और सूबे की अमन कानून की स्थिति के उत्ते। बेशक पंजाब सरकार दे वल्लों पंजाब पुलिस दे वल्लों शहीद मनदीप सिंह नूं हुण जरूर सल्यूट किया जा रहा, उसकी वास्ते माली इमदाद का जरूर ऐलान किया गया कि सरकार दे वल्लों उसनूं 2 करोड़ की जिहड़ी है एक्स ग्रेशिया अमाउंट और होर जिहड़े वित्तीय लाभ वह जरूर दिए जाएंगे परिवार को। पर सब तो वड्डा सवाल यह है कि इस अमाउंट के नाल परिवार का जी मुड़ आएगा, कि सूबे दे विच अमन कानून की स्थिति इस फैसले तो बाद बहाल हो जाएगी, क्योंकि बड़े वड्डे सवाल इस घटनाक्रम ने खड़े कर दिए। एक बार फिर तुहानूं दस दईए कि इस घटनाक्रम ने 2 व्यौहतों के जिहड़े सुहाग है वह उजाड़ के रख दिए ने, एक कपड़ा व्यापारी टिमी चावला और दूसरा मनदीप सिंह, दोवां दे छोटे छोटे मासूम बच्चे, दोवां दीआं जिहड़ियां व्यौहतां जिहड़ियां औरतां वह विलाप करदियां वेखियां नहीं जांदियां। पर सब तो वड्डा सवाल यही है सूबे दे विच कि सरकार दे वल्लों दावे जरूर वड्डे वड्डे कीते जांदे ने पर सूबे दे विच अमन कानून नां दी कोई जिहड़ी स्थिति है वह कितें भी नज़र नहीं आ रही और
आम लोगों के नाल हम जो पुलिस वाले आ भी हमलावर दिया गोलियां का शिकार होने शुरू हो गए हैं। कैमरा पर्सन जगरूप के नाल पत्रस सुसी पीटीसी न्यूज जलंधर। लगातार साढ़े नाल बने हुए ने पत्रस, तो एक सवाल भी लै लैने। पत्रस, पहला तो तस्वीर नहीं देखिया जांदियां, एक क्रमवार जो घटनावां वापरियां ने, जो कतलकांड हुण तक 6 महीनियां दी गल कीती जावे, जो कतलकांड वापरे ने हुण तस्वीर नहीं देखिया जांदियां। पता नहीं आखिर की कुछ सूबा सरकार करेगी, भरोसा तो बहुत बार दिता जांदा है, एक बार फिर तो कहिंदे हुए नज़र आए AGTF दी टीमां तैनात कीतियां गईआं ने, पर आखिर क्यों नकेल नहीं कसी जांदी, आखिर किस अजिहियां घटनावां क्यों वापरियां ने? देखो काफ़ी लोगों के वालों वार वार ये सवाल भी चुके जा रहे हैं सरकार की कार्यशैली उत्ते, और एक सब तो वड्डा सवाल जो सब तो वड्डा कमेंट लोगों के वालों वार वार किया जा रहा कि यही बदलाव आ, कि यही बदलाव जी है सूबा सरकार लोगों को देना चाहती सी, क्योंकि बदलाव का बार बार नारा दिता जा रहा है कि लोगों को असं बदलाव देवे, कि यही बदलाव जरा लोगों को देना सगा सरकार ने। जिस तरीके आए दिन सूबे के फरौतियां मंगिया जा रही ने, आए दिन कतलों गारत हो रही है, आए दिन आम लोगों के नाल हूँ तो जो पुलिस मुलाजम है जो सुरक्षा के तैनात किए जाते हैं, आम तौर पर लोगों के धारणा होंगी है कि सू पुलिस की सिक्योरिटी मिल गई, असं सिक्योर है, पर हूँ ना तो सिक्योरिटी लैन वाले सिक्योर है पंजाब के, और ना सिक्योरिटी करने वाले सिक्योर है सूबे के, कोई भी सिक्योर अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। तो वह परिवार जिन्हों परिवारों के दो नौजवान पुत्र इस गोलीकांड इस दुनिया तो चले गए हैं, उन्हों की विथिया शब्दों के बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि नौजवान पुत्र जिन्हों के घर चले गए वो मापे समझ सकते हैं, जो व्योता समझ सकते हैं जिन्हों के सिर का साई इस गोलीकांड इस दुनिया तो चले गया, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हों के सिर तो बाप का साया उठ गया। पर सरकार बेशक लख दलील देगी, बेशक पुलिस के वालों लख दलील दी जा रही ने, बेशक लख भरोसे दिए जा रहे हैं, पर सवाल इस सब यही खड़े हो रहे हैं कि इन्हों भरोसों का इन्हों दलील का वह परिवार की करे जिन्हों के दो जी चले गए, और वो लोग वो कारोबारी जिहड़े इस घटना तो बाद दहशत के माहौल है सूबे के इन्वेस्टमेंट किवें होएगी, सूबे के कोई निवेश किवें करेगा जेकर अजिहे हालात बने रहेंगे, ये वड्डे सवाल इस वक्त सामने आ खड़े होंगे ने। जी ठीक है, फिलहाल थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया पत्रस इस तमाम जानकारी के लिए। सो सूबे के ना तो सुरक्षा लैन वाला सिक्योर नजर आता है, ना तो सुरक्षा देने वाला सुरक्षित महसूस हो रहा है। एक तो बाद एक अजिहे घटनाक्रम वापर रहे हैं, हालांकि जरूर भरोसा दिता गया, पर आखिर कद तक, आखिर कद तक सूबा सरकार से पंजाब पुलिस भरोसा देती रहेगी? पर बावजूद इस दे लगातार कतलकांड वापरते नजर आते रहते हैं, लगातार हथियार के जखीरे बरामद हो रहे हैं, अजिहां घटनावां दिन दिहाड़े अंजाम दिता जाता है, पर बावजूद इस दे कोई भी मामले ते कोई भी कार्रवाई इस ते नहीं होंदी हुई जापती।